में जीती है एक लड़की, पता नहीं मेघालय की कहाँ की है, कहाँ की है, मीरा भाई चानू, कहाँ की रहने वाली है, अरुणाचल की मिजोरम की रहने वाली, मैंने अभी पढ़ा नहीं बोला जहाँ की भी लेडीज है ना। किस चीज में उसने स्वर्ण पदक जीता है, कितना उठाया उसने मुझे पता नहीं है ना, 132 के। अब तुम भी उठा के जीत जाओ स्वर्ण पदक, अब कहो कि हम भी वही करेंगे, अरे वो हमसे होगा ही नहीं, वहाँ से थोड़ी कर रही है, 10 साल से कर रही है, अपने स्कूल के लाइन से कर रही है, उसने पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी उसके चक्कर में, आज उसको फल मिल रहा है। अच्छा, अब उसने स्वर्ण पदक ले लिया तो अब तुम्हें उसको लगता है नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिल गई, पैसा मिल गया, सब कुछ मिल गया, उसने वो वजन नहीं उठाया, अपना जीवन उठा लिया उस वजह से, वो 132 किलो जो वजन उठा के उसने सोने का पहना ना, तो मोदी जी भी खड़े हो गए, वहां का चीफ मिनिस्टर भी खड़ा हो गया, और बीएमडब्ल्यू वाले बीएमडब्ल्यू लेके पहुंच गए, बंगला वाले बंगला लेके पहुंच गए, सरकार नौकरी लेके लिए पहुंच गई, जो जो किसी का ड्रीम होता है ना सब उसका पूरा हो गया एक दिन में। लेकिन वो अगले स्वर्ण पदक की तैयारी शुरू कर दी, और देखा स्पोर्ट्स में नीरज चोपड़ा अब भाला फेंकने लगे, कौन तुम्हारे एरिया में भाला फेंकता था, अब सब भाला फेंक रहे हैं आजकल, अभी ट्रेनिंग आ गई भाला फेंकने वाली, तो वही फेंकता था वही फेंका, पहले से लोग क्रिकेट खेलने में लगे रहते, तो हर जगह से पैसा, और कोई चलो दूसरी लाइन में आ जाओ एक्टिंग, औरतें एक्टिंग करके पैसा कमा रही है, एक्टिंग का औरत आदमी डांस खाना बना के कुकिंग करके पढ़ाई लिखाई करके और क्या क्या कर सकते हो, और सिलाई करके ब्यूटी पार्लर करके, एक से एक फेमस ब्यूटी पार्लर है, औरतें चला रही, बुटीक है जिसमें लड़कियां हैं, ये सब सिलाई उलाई करके आगे बढ़ गई, क्या कह रहा, डॉक्टर लाइन में, इंजीनियर लाइन में, लाइन सारी लाइंस ऐसी हैं, कोई ऐसी लाइन ही नहीं जिसमें ग्रोथ ना हो, सेल्स करके, इंश्योरेंस बेच के, पॉलिसी बेच के, हर लाइन में लोग हैं। अभी कोई नहीं कह सकता लाइन खराब हो, लाइन सारी अच्छी होती है, बंदे ऊपर डिपेंड करते हैं, वो लाइन में आने के बाद वो क्या करे। अब जो भटक रहा कह रहा है यार वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीत गई, मैं भी करती हूँ, मैं अगर कर रहा फिर तब तक कोई डांस करके स्वर्ण पदक जीत जाएगा, मैं डांस कर लेती हूँ, फिर तब तक पता चलेगा यार वो तो कुछ और करते, मैं कहीं तो भटकते रह जाएंगे यार। तो एक लाइन चुन के हमें उस पर जोर लगाना चाहिए, और मेरे ख्याल से हम लोगों ने एक लाइन चुनी हो, ये सब बातें तभी तो हो रही है ना, आप एक लाइन में एक जगह बैठे हुए